मौसम बदल रहा था, बारिशें शुरू होने वाली थी। चिड़िया अपने दोस्त तोते और कबूतर से कहती है, दोस्तों अभी तक हमने बारिशों के लिए भोजन जमा नहीं किया, अगर बरसात शुरू हो गई तो बहुत समस्या हो जाएगी। चिड़िया क्यों ना हम अभी से बारिश के दिनों के लिए भोजन जमा करना शुरू कर दें, ऐसे बारिश के दिनों में हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। पिछली बार वो दुष्ट उल्लू हमारा भोजन चोरी करके ले गए थे, इस बार हम भोजन किसके घर जमा करेंगे। गोरी कवि उनकी बातें सुनकर वहाँ आ जाती है। पक्षियों आप सब ऐसा करें, इस बार बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा कर लें, हमारा घर मजबूत भी है और तुम्हारा भाई कालू दाने की रक्षा भी करेगा। गोरी कवि की बात तो ठीक है, कालू कवि और गोरी कवि का घर बहुत मजबूत है और नया बना हुआ है, वहाँ भोजन सुरक्षित रहेगा। फिर सभी पक्षी दाना लेने चले जाते हैं और गोरी कवि भागी भागी अपने घर जाती है। कालू कालू मैंने सबको पागल बना लिया है। वो कैसे गोरी? कालू पक्षी बारिशों के लिए भोजन हमारे घर में जमा करेंगे और फिर जब बारिश शुरू होगी तो हम भोजन लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वारे गोरी, फिर तो हमें बारिशों की इस बार कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया शाम को घर आने से पहले कौवों के घर जाती है। कौवे भैया मैं ये दाना लेकर आई हूँ, आप ये दाना बारिश के दिनों के लिए महफूज कर ले, ये एक दाना मैं अपने बेटे के लिए ले जाती हूँ। चिड़िया तुम चिंता ना करो, यहाँ तुम्हारा दाना महफूज रहेगा। फिर तोता मीठा अमरूद लेकर आ जाता है और कबूतर भी दाना जमा करवाने आता है। ऐसे दिन गुजरते गए और सभी पक्षी दिन रात थोड़ा थोड़ा दाना कौवों के घर जमा करते रहे। ऐसे कौवों के पास काफी सारा दाना जमा हो जाता है। कालू आसमान पर बादल छा गए हैं, हो सकता है कल से बरसात शुरू हो जाए, हम ये दाना लेकर तुम्हारे मामा जी के पास दूसरे जंगल चले जाते हैं। बारिश जरूर होगी, हम आज ही यहाँ से भाग जाते हैं। फिर कौवा और कौवी सारा दाना एक थैले में डालकर अपने घर को बाहर से ताला लगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कौवे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि बारिश शुरू हो जाती है। कालू ऐसी बारिश में हम दूसरे जंगल कैसे जाएंगे? गोरी सामने इंसानों की बस्ती है, हम ये दाना किसान की पत्नी के पास रख देते हैं और फिर जब बारिश कम होगी तो कल हम किसान की पत्नी से दाना ले जाएंगे। फिर कौवा और कौवी किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी बारिश बहुत तेज है, हमने ये दाना बहुत मेहनत से जमा किया है। आप ये दाना अपने घर में रख लें और जब बारिश खत्म होगी तो हम ये दाना ले जाएंगे। कौवो लाओ, मैं ये दाना कमरे में रख देती हूँ और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा मेहनत से जमा किया हुआ दाना संभाल कर रखूंगी। फिर कौवे वो भोजन किसान की पत्नी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में भीगते हुए अपने मामा जी के घर चले जाते हैं। सुबह से बारिश हो रही थी, अब पक्षियों को भूख सताने लगी थी। चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकु बेटा आप घर में बैठें और मैं पड़ोसी कौवों के घर से अपना बारिश के लिए जमा किया हुआ दाना लेकर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवों के घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मम्मा चिड़िया ये देखकर परेशान हो जाती है, वो दरवाजे पर दस्तक देती है मगर वहाँ कोई नहीं था। ये कौवे कहाँ चले गए, मेरा बेटा भूखा है और न जाने ये कौवे घर को ताला लगा कर कहाँ चले गए हैं। थोड़ी ही देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया क्या तुमने दाना ले लिया, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, मैं भी अपना अमरूद लेने आया हूँ। तोते भैया मैं तो कब से यहाँ बैठी हुई हूँ मगर ये कौवे न जाने कहाँ चले गए हैं, घर को तो ताला लगा हुआ है। क्या चिड़िया ये तुम क्या कह रही हो, कहीं वो कौवे हमारा मेहनत से जमा किया हुआ भोजन लेकर कहीं भाग तो नहीं गए? शायद हमने उन कौवों के घर दाना जमा करके बहुत बड़ी गलती की थी। चिड़िया अब क्या हम भूख से मरेंगे? हमें घर जाना होगा और कौवों के आने का इंतजार करना होगा। फिर तोता और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा क्या आप दाना नहीं लाई? बेटा वो कौवे ना जाने कहाँ चले गए हैं, मैं थोड़ी देर बाद फिर से जाती हूँ। थोड़ी देर बाद कुकू फिर से अपनी मम्मा से भोजन मांगता है। मम्मा
मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा चिड़िया फिर से दाना लेने कौवों के घर जाती है, मगर वो कौवे तो अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने बेटे की भूख मिटाने के लिए थोड़ा दाना किसान की पत्नी से ले आती हूँ, शायद कल तक कौवे लौट कर आ जाएं। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। मामा जी, जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम वो दाना यहाँ ले आएंगे और फिर हम सब मिलकर वो दाना मजे मजे से खाएंगे। गौरी, क्या उस थैले में कोई फल भी है? हाँ हाँ मामा जी, मीठे मीठे अमरूद भी हैं उस थैले में। चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, मेरा बेटा बहुत भूखा है, प्लीज मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। चिड़िया, इस बार कौवों ने इतना सारा दाना जमा कर लिया, क्या इस बार तुमने मेहनत नहीं की थी? नहीं नहीं माँ जी, कौवों के घर में दाना हमने ही जमा किया था। मगर वो कौवे तो मुझे एक बड़ा थैला भोजन का देकर गए हैं। वो कह कर गए हैं कि बारिश कम होगी तो वो कल ये थैला ले जाएंगे। माँ जी, मगर वो दाना हमारा है, वो कौवे झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो भोजन तुम्हें ही मिलेगा। तुम चिंता ना करो, तुम ये दाना ले जाओ और अपने बेटे का पेट भरो और कल आ जाना, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। वो माँ बेटा दाना खाकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू कालू, उठो, जल्दी से उठो, हम किसान की पत्नी से भोजन वाला थैला ले आते हैं। हाँ गौरी, जल्दी चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी आना। फिर कौवा और कौवी जल्दी जल्दी किसान की पत्नी के घर की तरफ जाते हैं। कौवो, जाओ अंदर जाकर अपना थैला उठा लो। जैसे ही कौवे घर के अंदर जाते हैं, किसान की पत्नी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? चिड़िया आने ही वाली होगी, बाकी की बात वही बताएगी। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। तो कालू और गोरी, पकड़े ही गए तुम, हमारी मेहनत की कमाई लेकर तुम कहाँ जा सकते हो? चिड़िया, मेरे घर की छत टूट गई थी, इसलिए हम ये भोजन से भरा हुआ थैला यहाँ किसान की पत्नी के पास रख गए थे। माँ जी प्लीज, आप हमें यहाँ से बाहर निकालें और ये चिड़िया का भोजन से भरा हुआ थैला चिड़िया को दे दें। कौवो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। फिर किसान की पत्नी वो भोजन का थैला चिड़िया को दे देती है और कौवों को छोड़ देती है। कौवे बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि वो पकड़े गए थे, वो वहाँ से भाग जाते हैं और चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को उनके हिस्से का दाना दे देती है और उन दुष्ट कौवों की सारी बात बताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़ियाओं का वो परिवार अपने घर में बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहा था। मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी एक बेटी गुड़िया हमेशा साथ साथ रहते थे। उनके घर के पास ही एक पेड़ था जिस पर मीठे मीठे अमरूद लगा करते थे। वो हर रोज जी भर के मीठे अमरूद खाते और जब उनका दाना खाने को मन करता तो घने जंगल में चले जाते। मम्मा पापा, क्या हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे? हाँ, मगर जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगी। पापा, मम्मा से कहें ऐसी बात ना किया करें, मैं नहीं करवाऊंगी शादी, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। उनके पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था जो बहुत बुरे कौवे थे। वो हर समय चिड़ियों के उस परिवार को देखकर जलते रहते। कालू, अगर हम किसी तरह इन चिड़ियों को यहाँ से भगा दें तो उनका घर और वो अमरूदों का पेड़ हमारा होगा। उनका घर नया भी है और सुंदर भी, और उनके पेड़ पर बहुत मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करो कालू जिससे वो सब हमें मिल जाए। तुम चिंता ना करो, मैं कोई प्लान बनाता हूँ। फिर जब आधी रात होती है तो कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है। गोरी, कहाँ है मेरी वो लकड़ी काटने वाली आरी, कहाँ है? कालू, क्या तुम पड़ोसियों का पेड़ काटने जा रहे हो? हाँ, अब तो मैं उनको यहाँ से भगा कर ही दम लूंगा। फिर कालू कौवा लकड़ी काटने वाली आरी लेकर अपने घर से निकलता है। वो एक डाल पर बैठकर दूसरी डाल जिस पर चिड़िया का घर था उसे काटने लगता है। वो आरी तेजी से चलाता है, जोर की आवाज आती है और जिस डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ था वही डाल टूट जाती है और कालू कौवा नीचे गिर जाता है।
मर गया, हाय मर गया, मेरी पसलियाँ टूट गईं। बहुत मुश्किल से कालू कौवा उड़कर अपने घर जाता है। कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी ही चिड़ियाओं का पेड़ काट दिया। कहाँ गौरी, बहुत बुरा हुआ, मैं डाल काट रहा था कि नीचे गिर गया, मेरी पसलियाँ टूट गई हैं। हाय हाय, मेरे पंखों पर पट्टी बांध दो गौरी। हाय कालू, जब भी हम उस चिड़िया को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश करते हैं तो हमारा अपना ही बुरा होता है। मगर कल ऐसा नहीं होगा, मैं कल कोई नया उपाय निकालूंगा। दूसरे दिन गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, इस पेड़ पर कोई भूत रहता है, अगर तुम खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम हमारी चिंता ना करो गौरी, हम भूत से निपट लेंगे। गौरी आंटी, मुझे तो आप ही कोई भूत लग रही हो। ये चिड़िया इतनी आसानी से ये पेड़ छोड़कर जाने वाली नहीं है, गौरी मन ही मन में ऐसा सोचती है। फिर कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी तुम ऐसा करो, किसी तरह चिड़ियाओं के उस परिवार को पहाड़ों के पास लेकर जाओ, जब वो सब वहाँ एक जगह इकट्ठे बैठे होंगे तो मैं ऊपर से उन सब पर एक बड़ा पत्थर गिरा दूंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं आज ही उन्हें पहाड़ों पर ले जाती हूँ। फिर गौरी कवि भागी भागी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ भोजन लेने, सुना है वहाँ चावल के ढेर सारे पौधे हैं, क्या तुम भी जाओगी? चावल चावल तो मेरी बेटी और पति को बहुत पसंद है, आप यहाँ बैठे, मैं अभी गुड़िया और उसके पापा को लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है। गुड़िया के पापा, गौरी कवि बता रही है कि पहाड़ों पर चावल मिल सकते हैं, क्यों ना आज चावल खाने जाएं? मैंने अपने पेड़ से अमरूद खा लिए हैं, मुझे भूख नहीं है। मगर मैं तो चावल खाऊंगी, कई दिन हो गए मम्मा अमरूद खा खा कर मेरा मन भर गया है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ जाती है। गौरी कवि उन्हें लेकर पहाड़ों पर पहुंच जाती है। गौरी कहाँ है चावल, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा और आगे देख कर आती हूँ, वहाँ वहाँ तक। ऊपर कालू कौवा पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अब ये बड़ा पत्थर मैं इस चिड़िया के ऊपर गिराकर इसे खत्म कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा बड़े पत्थर को धक्का लगाता है, वो पूरा जोर लगाता है। पत्थर जैसे ही अपनी जगह से हिलता है, साथ ही कौवे का पाँव भी फिसल जाता है। पत्थर और कालू कौवा दोनों ही नीचे गिरते हैं। फुटबॉल की तरह घूमता हुआ कालू कौवा नीचे आता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया शोर सुनकर अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ हट जाती है और कालू सीधा आकर जमीन पर गिरता है। कालू, तुम पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? मैं वहाँ तुम्हारे लिए चावल ढूंढ रहा था। गौरी भी वहाँ आ जाती है। अपने पति को इस हाल में देखकर गौरी रोने लग जाती है। मेरा कालू कैसे गिर गया, कोई चोट तो नहीं लगी मेरे कालू को? ये पूछो कि चोट कहाँ कहाँ लगी है गौरी। मेरा पंख, मेरा पाँव, मेरा सर, सब टूट गया है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे चावल, यहाँ तो बहुत खतरा है। चलो गुड़िया, हम कहीं और जगह से चावल ढूंढ लेंगे। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू बच गई, आज फिर वो चिड़िया बच गई। तुम्हारे सारे प्लान फेल होते हैं और चोट हमेशा तुम्हारे ही लगती है। अब देखना मैं कैसे आसानी से उस सारे परिवार को मारती हूँ। देखते हैं तुम चिड़िया को मारती हो या मेरी तरह अपने ही पंख तड़वाती हो। मैं बुद्धि से काम लूंगी, तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ मैं। फिर दूसरे दिन गौरी कवि बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मुझे थोड़ी सी चूहे मारने वाली जहर तो दे दो, मेरे घर में चूहे बहुत आगे हैं। ये लो गौरी, इसे बच्चों और बड़ों से दूर रखना, ये बहुत खतरनाक जहर है। गौरी वो जहर की बोतल लेकर अपने घर आती है। घर आकर गौरी कवि मीठी खिचड़ी बनाती है और उसमें वो जहर मिला देती है। अब तो मैं कालू को सरप्राइज ही दूंगी, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मैंने कैसे चिड़ियाओं के परिवार को मारा है। कालू कौवा भी नदी से पानी पीकर घर आ जाता है। कोई उपाय सोचा है गौरी उस चिड़िया के परिवार को मारने का?
ये तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। तुम ऐसा करो, जाओ ये मीठी खिचड़ी चिड़िया के घर दे आओ। वो क्यों गोरी? ये सब तुम्हें कल मालूम होगा, तुम जाओ। और हाँ, इसमें से खाना ना, मैंने तुम्हारे लिए ये अलग से खिचड़ी रखी है। फिर कालू कौवा वो मीठी खिचड़ी लेकर चिड़िया के घर जाता है। खिचड़ी की खुशबू कालू कौवे को मस्त कर रही थी। वो जाते जाते रुक जाता है। मुँह से पानी टपक रहा है, इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी मैं खा लेता हूँ ताकि मुँह से पानी टपकना तो बंद हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा उस जहर वाली खिचड़ी में से कुछ खिचड़ी खा लेता है। वो जैसे ही उड़ने लगता है, जहर के असर की वजह से वो गिर जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे चिड़ियों का वो परिवार तो हंसी खुशी उसी पेड़ पर रहता है, मगर गोरी कौवे का घर उजड़ जाता है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने अपने ही हाथों से अपने पति की जान ले ली। किसी का घर उजाड़ते उजाड़ते मैं अपना घर ही उजाड़ बैठी हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी का बुरा सोचता है उसका हमेशा खुद का ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, अब जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दें।